डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हाँ डिस्कस क्यों था एप्लीकेशंस ऑफ केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैमें केसी जो पेरो एप्लीकेशन आ है केसी इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन असा केसी के इस्तेमाल करना हूं तो असा के रिएक्शन जो डायरेक्शन बुधाए तो वेदर जो रिएक्शन आ वो रिवर्स डायरेक्शन में आ या वो राइट डायरेक्शन माना फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जो रिएक्शन आ वो इक्विलिब्रियम में आ है केसी के जरिए प्रिडिक्ट कबो आ अंदाजो लगाबो आ तो आया रिएक्शन फॉरवर्ड आ बैकवर्ड आ या इक्विलिब्रियम में आ है एज रिगार्ड्स टू द रेशियो ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट्स याद कंदो तो जो रेशियो आहे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट्स मां उन जे जरिए उनके कंपेयर कबो कैसा उनके कंपेयर कबो केसी सा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के असा चयो आहे रेशियो ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट्स याद कंदो तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के असा इते रिप्रेजेंट कयो आहे रेशियो ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट्स सा जेकडे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर थियो केसी खां त पो चयबो रिएक्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स रिवर्स डायरेक्शन या चवंदा हूं असा बैकवर्ड डायरेक्शन जेकॾहिं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ग्रेटर आहे केसी खां त जेको रिएक्शन आहे उहो बैकवर्ड डायरेक्शन में ईंदो या रिवर्स डायरेक्शन में थींदो पर जेकॾहिं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेस आहे केसी खां त पोइ चइबो त रिएक्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन यादि कंदो त जेकॾहिं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वैल्यू लेस आई केसीअ खां त पोइ रिएक्शन चइबो त इहो फॉरवर्ड आहे या चइबो त इहो राइट डायरेक्शन में आहे जेकॾहिं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द केसी माना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ऐं केसी ॿई पाण में जेकॾहिं बराबरि आहिनि द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम त पोइ चइबो त रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आहे इनमें ये टे अचन था एकड़ो तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ग्रेटर देन केसी बो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेस देन केसी और बो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द केसी ये अस इनिशियल प्रोडक्ट लिखा या इनिशियल रिएक्टेंट जैसे हो ठीक है जैसे न हो भी ठीक है तो मैं वरी रिपीट तो क्या जैसे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ग्रेटर कयोसी याद कर ग्रेटर कयोसी केसी का तो यो रिवर्स हों यो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हों जैसे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेस कयोसी याद कौ जैसे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेस कयोसी तो जो रिएक्शन आ चंदी वो फॉरवर्ड आ या चंदी राइट डायरेक्शन में आ जैसे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट चयोसी तो इक्वल है केसी के तो फॉरवर्ड आ बैकवर्ड आ या इक्विलिब्रियम में चवंदी तो हाँ रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है अच्छा इन में अस कदें प्रॉब्लम्स भी ढींदा आयो तुम सॉल्व कौ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रखी कर केसी मिलल हों जैसे प्रोडक्ट जो वैल्यू मिलल हों रिएक्टेंट जो वैल्यू मिलल हों केसी जो वैल्यू मिलल हों प्रोडक्ट ए रिएक्टेंट जो वैल्यू रखी हल कंदी वो अगर केसी का चवंदी फॉरवर्ड आ अगर घटी चवंदी बैकवर्ड आ अगर घटी चवंदी फॉरवर्ड आ जैसे सेम आयो तो चवंदी यो इक्विलिब्रियम में है तो पहली एप्लीकेशन यहाँ है केसी की तो केसी के जरिए अंदाजो लगाबो तो यो रिवर्स आ राइट डायरेक्शन में आ या इक्विलिब्रियम में है इनका अलावा बजाय हेतरी तफसील लिखण के अस लिखा आयो रेशियो ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट इन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के बजाय जैसे चूं तो रेशियो ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट इज ग्रेटर देन केसी तुम चवन यो बैकवर्ड आ जैसे चूं रेशियो ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट इज लेस देन केसी तुम चवन यो राइट आ या फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जैसे चूं रेशियो ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट इज इक्वल टू द केसी तो चवंदी द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम इनका अलावा अस केसी के इस्तेमाल कंदा हूं टू प्रिडिक्ट द स्पीड ऑफ रिएक्शन या चंदा हूं रेट ऑफ रिएक्शन हाँ अस उन तरफ अचूं था डियर स्टूडेंट्स हाँ डिस्कस क्यों था केसी इज यूज टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट या स्पीड ऑफ रिएक्शन केसी के जरिए असा रिएक्शन की स्पीड भी प्रिडिक्ट कर सकूं था जैसे केसी वैल्यू तमाम घणो होंद लार्ज होंद तो उनकी स्पीड हाई थी
अगर केसी वैल्यू लो होंद घट हों तो उनकी स्पीड अब स्लो थी या लो थी। जैक केसी वैल्यू मॉडरेट है विचथरी है न घनी न घनी घट है तो उनकी स्पीड मीडियम थी न को घो फास्ट थी न घो स्लो थी। हाँ समझूस त इफ़ केसी वैल्यू इज वेरी लार्ज जैसे केसी वैल्यू तमाम घनी है द रिएक्शन विल बी फास्ट तो हाँ वो रिएक्शन फास्ट थी दो, याद कौ रिएक्टेंट्स विल बी अनस्टेबल इन केस में जो रिएक्टेंट्स उ अनस्टेबल हूँ जैसे केसी वैल्यू घो तो वो फास्ट थी दो। वो कड़ो रिएक्शन है वो है टू मोल्स ऑफ O3 मीन्स ओजोन यो डिसोसिएट थी इंटू O2 माना ऑक्सीजन में इन रिएक्शन के चाहिए दिस इज द डिसोसिएशन ऑफ ओजोन इंटू ऑक्सीजन जो केसी वैल्यू 10^55 है। ये जो केसी वैल्यू 10^55 है यो तमाम घनो लार्ज वैल्यू है लेकिन ये लार्ज हों दैट मीन्स हि जो रिएक्शन है यो तमाम घो फास्ट थी इनकी स्पीड हाई थी। दैट मीन्स डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन दिस डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इंटू ऑक्सीजन टेक्स प्लेस क्विकली मन हाँ जो यो रिएक्शन है यो तमाम तकड़ो या फास्ट उनका अस सेकेंड केस है इफ केसी वैल्यू इज वेरी लो जैसे केसी वैल्यू तमाम घट हो रिएक्शन विल बी स्लो जैसे केसी वैल्यू घट हों तो रिएक्शन स्लो थो याद कौ इन केस में रिएक्टेंट्स विल बी स्टेबल हाँ जो रिएक्टेंट वे स्टेबल वो रिएक्शन है ये टू मोल्स ऑफ HF अस चवंदा हाइड्रोजन फ्लोराइड के इनके अगर टोड़बो तो हाइड्रोजन ठहंदो आयोडीन ठहंदो इनके चाहिए तो ये डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इंटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन याद कौ तो HF वाटर में याद कौ तो HF वाटर में डिसोसिएट थी ओनली 8% हाँ रिएक्शन जो जो केसी वैल्यू आ वो 10^-13 है। हाँ 10^ एक -13 लिखो आ दैट मीन्स इका वैल्यू आ तमाम घनी लो है जैसे रिएक्शन जो केसी वैल्यू माइनस में जो मतलब तमाम घट आ जैसे केसी वैल्यू तमाम घट हों तो उन रिएक्शन की स्पीड लो थी या निग्लिजिबल स्पीड थी। डिसोसिएशन ऑफ HF डिसोसिएशन दिस डिसोसिएशन ऑफ HF टेक्स प्लेस स्लोली चंदी यो जो रिएक्शन हों तमाम घो स्लो थो इनकी स्पीड निग्लिजिबल स्पीड हूँ मतलब न तमाम घनी स्लो होंगी। इफ केसी वैल्यू इज मॉडरेट जैसे केसी वैल्यू मॉडरेट आ माना विच थरी आ रिएक्शन प्रोसीड विथ मीडियम स्पीड वो रिएक्शन जो स्पीड होंगी मीडियम होंगी नाइदर स्लो नॉर फास्ट न वो घो स्लो हों न घो वो फास्ट हों। वो रिएक्शन है जैमें एक मोल नाइट्रोजन जो आ टे मोल हाइड्रोजन जन नाइट्रोजन ए हाइड्रोजन के मिलाबो तो टू मोल्स ठहंदा NH3 माना अमोनिया जहाँ इनके चाहबो आ सिंथेसिस ऑफ अमोनिया अमोनिया जो ठहन जैसी केसी वैल्यू है 10 हाँ न घो यो लार्ज आ न घो स्मॉल वैल्यू आ हाँ ये केसी 10 वैल्यू अस लिखी आ दैट मीन्स इहा वैल्यू मॉडरेट आ हाँ इन रिएक्शन की स्पीड आ या मीडियम स्पीड थी न घो स्लो न घो फास्ट। वरी रिपीट था क्यों तुम्हें याद करो ओजोन जो रिएक्शन आ जैमें याद कौ तो केसी वैल्यू पे याद कभी ओजोन की 10^55 आ या तमाम घनी लार्ज आ तो हाँ ये ओजोन वो रिएक्शन आ यो फास्ट थी यो क्विकली थी। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड जो डिसोसिएशन है इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनको केसी वैल्यू याद कबो 10^-13 आ ये 10^-13 चवण का मतलब आ केसी वैल्यू तमाम स्मॉल आ जैसे तमाम लो होंगी तो हाँ इन रिएक्शन की जो स्पीड आ वह स्लो थी या चवी निग्लिजिबल स्पीड थी। उनका पो ये सिंथेसिस ऑफ अमोनिया है जैमें नाइट्रोजन आ हाइड्रोजन आ अमोनिया जैमें ठही रो इनकी पे केसी वैल्यू याद कभी जो अस इंग्लिश में लिखूँ अस चवी हि है चवंदी हि सिंथेसिस ऑफ हे NH3 मीन्स अमोनिया अमोनिया इतने ठही रो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया हाँ इनको जो केसी वैल्यू आ पे वो याद कौ वह केसी वैल्यू 10 आ जो अस चई रहा हूँ तो मॉडरेट है इनकी स्पीड सिंथेसिस ऑफ अमोनिया की मीडियम थी न घो स्लो न घो फास्ट तो केसी वैल्यू जो हों उनकी स्पीड थी जो केसी वैल्यू घट हों उनकी स्पीड घट थी।
तो आई होप अवां के केसी जा एप्लीकेशन समझ में अची विया हुंदा। केसी जी पहिरीं एप्लीकेशन आहे त इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जेकॾहिं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ग्रेटर आहे केसी खां त पोइ चवंदासीं उहो रिएक्शन रिवर्स आहे या बैकवर्ड आहे। जेकॾहिं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेस आहे केसी खां त पोइ चवंदासीं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आहे या राइट डायरेक्शन में आहे। पर जेकॾहिं असां चऊं त प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू द केसी, दैट मीन्स हाणे इहो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आहे। केसी मां इहा प्रिडिक्ट करे सघिजे थो त फॉरवर्ड आहे, बैकवर्ड आहे या इक्विलिब्रियम में आहे। उनखां अलावा केसी जी एप्लीकेशन इहा आहे त केसी इज़ यूज टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, माना स्पीड ऑफ रिएक्शन। जंहिंजो केसी वैल्यू लार्ज आहे उनजी स्पीड हाई थींदी, जंहिंजी केसी वैल्यू लो आहे उनजी स्पीड बि लो थींदी या स्लो थींदी, जंहिंजी मॉडरेट आहे उनजो मीडियम स्पीड थींदो। त आई होप अव्हांखे एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट केसी काफ़ी हद ताईं क्लियर थी चुका हूंदा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। Thank you.